फ्लैगशिप फोन फ्रॉम रियलमी इन मिड सेगमेंट प्राइस पॉइंट। एंड आई नो आप लोग क्या सोच रहे होंगे, GT लाइनअप सीरीज पर वो तो हाई प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होता है, पर ऐसा कुछ इस बार नहीं होने वाला है बिकॉज रियलमी इज़ लॉन्चिंग फ्लैगशिप फोन इन अर नंबर सीरीज। एंड आई नो आप लोग किस फोन के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो एंड वेट कर रहे हो, रियलमी 9 प्रो के लिए। एंड रियलमी 9 प्रो एक फ्लैगशिप फोन होने वाला है इन मिड सेगमेंट प्राइस पॉइंट फ्रॉम रियलमी। एंड ये फोन अब बेस्ट होने वाला है बिकॉज दिस फोन इज़ ऑफरिंग सच अ ग्रेट अमेजिंग फ्लैगशिप स्पेक्स इन दिस टाइम। एंड ये फोन बेस्ट प्राइस पॉइंट पे आने वाला है एंड कन्फर्म है, प्राइसिंग ऑल्सो गोइंग टू बी कन्फर्म। एंड इस फोन का रिलीज डेट बहुत सामने आ चुका है बिकॉज रियलमी हर बार अपने नंबर सीरीज के ना स्मार्टफोन 1 ईयर में कम से कम 2 सीरीज को तो कन्फर्म लॉन्च करता है। जैसे अभी रिसेंट और स्टार्टिंग में मिल चुका है रियलमी 8 सीरीज एंड कन्फर्म है अभी रिसेंट में रियलमी 9 सीरीज लॉन्च होने वाला है जिसमें रियलमी 9 एंड 9 प्रो ये दोनों फोन्स मिलेंगे। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। एंड ये फोन्स ना बेस्ट एंड अमेजिंग होने वाले हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। रियलमी इस पर अपने फ़ोन्स के साथ बहुत सारे न्यू चेंजेस करने वाला है एंड इन दिस टाइम रियलमी इज़ ऑफरिंग सच अ फ्लैगशिप स्पेक्स। एंड अगर आप लोग के माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है कि ये फ़ोन मिड सेगमेंट के प्राइस पॉइंट पे आएगा तो फ्लैगशिप स्पेक्स नहीं मिलेगा, पर कंफर्म है रियलमी इज़ ऑफरिंग सच अ ग्रेट फ्लैगशिप स्पेक्स इन दिस टाइम। एंड सबसे पहले इस फोन के कोर स्पेक्स लेस परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्वालकॉम के लेटेस्ट 7 सीरीज का चिपसेट इस फोन के अंदर मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन 780G 12 5G। और ये चिप ना बहुत अमेजिंग चिपसेट है बिकॉज इन दिस टाइम दिस चिप इज़ ऑफरिंग सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस इन दिस टाइम। एंड इस फोन के अंदर 12 5G कनेक्टिविटी, हाई क्लॉक स्पीड 2.6 GHz, प्लस ये फोन ना 6 नैनोमीटर के AI टेक्नोलॉजी पे बेस है, दैट्स वाई दिस चिपसेट इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड इन दिस टाइम। एंड इस फोन के अंदर न्यू स्टोरेज ऑप्शंस भी मिलेंगे जो बहुत इंप्रूव है क्योंकि इस फोन के अंदर न्यू स्टोरेज ऑप्शंस ऐड किए गए हैं 8GB 128GB एंड 12GB 256GB जो न्यू स्टोरेज वेरियंट्स हैं। एंड इस फोन के अंदर एंड्रॉइड 12 का लेटेस्ट अपडेट भी मिलेगा। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं एंड कन्फर्म है इस बार रियलमी बहुत सारे अच्छे इंप्रूवमेंट्स के साथ डिस्प्ले भी बहुत अच्छा देने वाला है। एंड कन्फर्म है इस बार ना इस फोन के अंदर 120Hz का न्यू हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलने वाला है, सुपर एमोलेड पैनल, 6.7 इंच का डिस्प्ले एंड फुल HD+ का रेजुलेशन एंड HDR10+ का सपोर्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। एंड इस फोन के अंदर सिंगल पंच होल टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर फॉर सेल्फी एंड कर्व डिस्प्ले। ओवरऑल बहुत सारे अच्छे इंप्रूवमेंट्स इस फोन के डिस्प्ले में। कैमरे के बारे में बात करते हैं एंड रियली सच अ अमेजिंग कैमराज इस फोन के अंदर मिलने वाले हैं बिकॉज दिस फोन इज कमिंग ऑन अ न्यू क्वाड कैमरा सेटअप। एंड इस फोन के अंदर सोनी का न्यू सेंसर 108 मेगापिक्सल का मिलने वाला है एंड यू गेटिंग गुड अपर्चर एंड गुड वीडियो क्वालिटी एंड गुड इमेज क्वालिटी ऑल्सो इन दिस फोन। एंड इस फोन के अंदर 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस एंड 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग। फ्रंट सेल्फी कैमरा भी इस फोन के अंदर बेस्ट मिलने वाला है 44 मेगापिक्सल का। प्राइसिंग एंड इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अभी रिसेंट में ना Redmi Note 11 सीरीज कन्फर्म हो चुका है एंड Redmi Note 11 सीरीज इंडिया के अंदर 28 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है चाइना के अंदर, तो कन्फर्म है उस फोन का कॉम्पिटिटर। Realme 9 सीरीज भी इंडिया के अंदर अक्टूबर के एंड तक चाइना के अंदर लॉन्च होगा, दैन ये फोन ना इंडिया के अंदर नवंबर के फर्स्ट वीक पे मिलने वाला है। अगर प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं दिस फोन इज कमिंग ऑन अ मिड सेगमेंट प्राइस पॉइंट, लाइक ये फोन ना कन्फर्म है कि 20,000 रुपीज़ तक के प्राइस पॉइंट पर मिलने वाला है। एंड दिस Pricing is amazing because you're getting new flagship specs in this time in Realme 9 Pro and Realme 9 also going to be very good smartphone in a 15,000 rupees price point and is bar bahut hi achhe improvements milne wale hain। That's it for in this video, agar acha laga ye video make sure aap is video ko like share and subscribe kar dijiyega and don't forget to press the bell icon। Main milta hu next video mein।